नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव होने में अभी काफी वक्त लगेगा, क्योंकि चुनाव की अधिसूचना पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। लेकिन इस रोक के बाद नगर निकाय चुनाव के अप्रैल और मई में होने की चर्चा जोरों पर है। सत्ताधारी दल के नेताओं के साथ ही अन्य पार्टी के नेता भी निकाय चुनाव को 3 से 4 महीने आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव होने में अभी काफी समय लगेगा, क्योंकि चुनाव की अधिसूचना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। लेकिन इस रोक के बाद नगर निकाय चुनाव के अप्रैल और मई में होने की चर्चा जोरों पर है। सत्ताधारी दल के नेताओं के साथ ही अन्य पार्टी के नेता भी निकाय चुनाव को 3 से 4 महीने आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। दरअसल यूपी की नगर निकायों का कार्यकाल खत्म होने लगा है, तो वही कई निकाय का खत्म हो चुका है। निकायों में प्रशासकों को बैठाया जा रहा है, इसको लेकर कई दिन पहले शासन से पत्र भी जारी हो चुका है। पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है। उत्तर प्रदेश की 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 545 नगर पंचायतों का आरक्षण 5 दिसंबर को जारी किया गया था। निकाय के वार्ड का आरक्षण पहले ही जारी हो चुका है। यूपी की 762 निकाय में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई है। 545 नगर पंचायत के आरक्षण में 182 महिलाओं को, 26 एससी महिला, 48 एससी, 49 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 97 अन्य पिछड़ा वर्ग, 107 महिला और 217 अनारक्षित है। पिछली बार बरेली की 20 में से 12 निकाय ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थी, लेकिन नए आरक्षण में एक भी निकाय ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं है, जिसके लिए कोर्ट में सुनवाई चलेगी। इसके बाद 24 को अंतिम शनिवार 25 दिसंबर का क्रिसमस हॉलिडे है। गौरतलब है कि इसके बाद 24 को अंतिम शनिवार 25 दिसंबर का क्रिसमस हॉलिडे है। 26 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश रहेगा। नए साल में कई छुट्टियां हैं। अगर नए साल में फैसला आता भी है तो चुनाव को कम से कम 35 से 45 दिन का वक्त चाहिए होगा, मगर इससे पहले यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल 16 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक चलेंगे और इसके बाद एग्जाम मार्च तक चलेंगे। इससे साफ हो जाता है कि चुनाव अप्रैल मई में ही होंगे और निकाय चुनाव के लिए कॉलेज स्कूल में मतदान बूथ बनाए जाएंगे, मगर बोर्ड एग्जाम के चलते ये मतदान बूथ नहीं बन पाएंगे, इसलिए चुनावों के टलने की ज्यादा उम्मीद है। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा कब तक होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।